गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए इस पार्ट में हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिटल, यानी बोर कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करेंगे हम, कि कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उसकी ऊर्जा कितनी है, इसकी बात होगी। तो यहां पे जो टोटल एनर्जी आएगी, टोटल जो एनर्जी होगी इन एन ऑर्बिटल के अंदर, यानी कुल ऊर्जा एन कक्षक में, ये होगी ई एन इजिकल टू के ई प्लस पी ई, मतलब कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योग कुल एनर्जी होगी। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ये क्या है, ये गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। और इसके अगर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई, हिंदी में पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पीई बराबर क्या हो गया। अब देखो फिजिक्स में हम जो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं वो अलग है, यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी होगी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। यहां पे नेगेटिव साइन इस वजह से आया है क्योंकि ये जो एनर्जी है पोटेंशियल, ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अर्थात नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस पर डिपेंड करती है। इस वजह से यहां पे माइनस साइन यूज करके जेड जो है चार्ज न्यूक्लियस और आर रेडियस में वो राउंड कर रहा है आर त्रिज्या के कक्षक में, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे हमें ये लेनी है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, ध्यान रखना। अब इन दो फॉर्मूले से हम जो है इसकी एनर्जी फाइंड करेंगे। देखिए यहां पे ये दोनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर ये एक है, ये दो, और इसको तीन दे देते हैं, तो ये दो की वैल्यू भी यहां आएगी और तीन की वैल्यू भी यहां रख दें तो क्या हो जाएगा, ये ई एन इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। देखो ये प्लस का साइन है और इसका माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होके या माइनस आ जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। आई बात समझे। अब देखिए पिछले पार्ट में हमारे पास ये चीज आई थी, ध्यान हो अगर आपको, एक चीज देखी थी अपन ने, जो एम वी स्क्वायर है, इस एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो ये थी जेड स्क्वायर अपॉन आर, थी ना। तो ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू जो है जेड स्क्वायर अपॉन आर यहां रख देंगे इसमें, तो जब यहां ये वैल्यू रखेंगे तो अपना इक्वेशन हो जाएगा ई एन इज इक्वल टू 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन
आर, ये बन गई इक्वेशन। अब एक चीज बताइए मुझे, ये क्या है? हाफ है। ये जो जेडी स्क्वायर अपोन आर क्या है? हाफ है, एक बटा दो लगा हुआ है यहां पे, और जेडी स्क्वायर अपोन आर यहां पे एक बटा दो नहीं लगा हुआ, तो ये फुल है। तो अगर हम आधे को एक में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? आधा ही बचेगा, ठीक है कि नहीं? अगर हम ये करते हैं वन बाय टू माइनस वन, तो क्या बचेगा? वन बाय टू बचेगा, किसका? माइनस का बचेगा। तो यहां पे भी यही चीज है, आप देख सकते हो ये फुल है जेडी स्क्वायर अपॉन आर, और ये जेडी स्क्वायर अपॉन आर क्या है? हाफ है, वन बाय टू लगा हुआ है। तो इस हाफ को इस फुल में से माइनस करेंगे तो माइनस का हाफ बचेगा, तो अपन इसको लिख देंगे ई एन इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन हो गई हमारी एनर्जी फाइंड करने के लिए, ठीक है ना? यहां पे अगर हम आर की वैल्यू रख दें, आर की वैल्यू देखिए यहां पे रखते हैं, पीछे हमने एक जगह आर की वैल्यू फाइंड की थी, वो क्या थी? आर की वैल्यू, वो आर की वैल्यू ये थी, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना? इस वैल्यू को हम यहां रख देंगे आर की जगह, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू जेड ई स्क्वायर इंटू फोर पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए ये जेड और ये जेड, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये ई स्क्वायर और ये ई स्क्वायर, ई की पावर फोर हो जाएगा। तो ये क्या लिख देंगे हम इसको, ई एन इज इक्वल टू माइनस एक बटा दो लिख लो, या अब अपन इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं माइनस टू। क्यों? टू क्यों कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि ये देखिए नीचे आ रहा है वन बाई टू, नीचे आ रहा है, तो इस टू से ये कट जाएगा ना फोर, तो यहां टू बचेगा, तो इसी टू को मैं लिख रहा हूं यहां पे माइनस टू पाई स्क्वायर है ये इंटू ये एम स्क्वायर है इंटू ये जेड, और ये जेड क्या हो गया? जेड स्क्वायर हो गया, ये ई स्क्वायर और ई स्क्वायर ई फोर हो गया, अपॉन नीचे क्या है एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारी वैल्यूज जो मैंने आपको बता रखी हैं पहले से ही, ठीक है ना? यहां पे अगर हम एच की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22 अपॉन 7, एम मास जो है इलेक्ट्रॉन का 9.1094 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये पाई है 22 अपॉन 7, और ये मास है इलेक्ट्रॉन का, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, द्रव्यमान 9.1094 इंटू 10 की घात माइनस 31, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये वैल्यूज यहाँ पे रखो, ये मान यहाँ पे अगर अपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जब मान रखने के बाद में सॉल्व करो गुणा भाग करके, तो ई एन इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और यहां पे ये Z और N ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है और ये सेल का नंबर है, कक्षक का नंबर है, ये परमाणु संख्या है, इसलिए ये ऐसे कैसे रहेगा? Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ठीक है ना? ये आ जाएगा एनर्जी पर एटम, ऊर्जा प्रति परमाणु, अर्थात एनर्जी पर एटम, ठीक है?
तो इससे हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अगर जूल पर एटम निकालेंगे, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल वो ई एन इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 11। 11 की जगह जूल में कर रहे हैं ना इसको, तो 11 की जगह आ जाएगा ये 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यह आ गया आपका जूल पर एटम, अर्थात जूल प्रति परमाणु, ये हिंदी में हो गया, ये फॉर्मूला आ गया आपका जूल प्रति परमाणु के अंदर एनर्जी का। अब अगर हाइड्रोजन के संदर्भ में, हाइड्रोजन के एनर्जी अगर निकालें, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अगर अपन निकालें, तो अपन जानते हैं हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर एक होता है और एन बराबर एक होता है, ठीक है ना। या फिर एन को आप चाहे जंप कर रहा है अगर वो, तो एन स्क्वायर भी रख सकते हो आप, चाहे जेड आप जेड वन ले लीजिए, एन को ऐसे कैसे रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड वन है एन स्क्वायर आ गया। इस फॉर्मूले से हम हाइड्रोजन की एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। अब यहां पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये जो वैल्यू है माइनस, ये जो वैल्यू है माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ये वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट है आर एच, ठीक है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, रिडबर्ग, रिडबर्ग नियतांक है ये, यानी कांस्टेंट। और यहां माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लगा के ये लिख सकते हैं आर एच, तो ये हो जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एच, इसलिए रिडबर्ग ने बताया, इसलिए रिडबर्ग आर एच से शो करेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट को, हाइड्रोजन के लिए है इसलिए आर एच 1/n² ये हो गया एक फॉर्मूला। आर एच की वैल्यू ये है 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18, ठीक है। तो ऐसे अपन एनर्जी जो है रिडबर्ग कांस्टेंट लिखने के बाद में अपन एनर्जी निकाल सकते हैं। अब मिनिमम एनर्जी अगर हाइड्रोजन की निकालेंगे अगर, तो मिनिमम एनर्जी जो हाइड्रोजन की निकलेगी वो निकलेगी 1 से, यानी एन इज इक्वल टू यहां पे 1 लेंगे हम। जब एन इज इक्वल टू यहां पे 1 आएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली जब 1 का स्क्वायर को 1 में डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा पूरा का पूरा, एक का तो एक ही जीरो रह जाए, यहां पे ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा माइनस आर एच, और आर एच की वैल्यू कितनी होती है ये, तो ये रख दीजिए यहां पे आर एच की वैल्यू क्या, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के एक फर्स्ट मिनिमम एनर्जी होगी फर्स्ट सेल के लिए इलेक्ट्रॉन की। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर सेकंड सेल के लिए बात करेंगे ना अपन, सेकंड सेल के लिए, तो सेकंड सेल के लिए क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहां पे आप 2 रख दीजिए, यहां पे वैल्यू क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे अपन, और डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा आपका, ये आएगा ई टू के लिए आपका आ जाएगा माइनस 0.545 इंटू 10 की पावर माइनस 18 आ जाएगा, ठीक है ना। आप सोल्व कर सकते हो यहां पे 2 रखकर। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेल की जो है एनर्जी फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी।